हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूस क्लास। आज हम क्लास 5 के कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट्स करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे हमारा चैनल ग्रो कर सके। शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज मटेरियल नाउन्स। हमारा पहला वर्कशीट मटेरियल नाउन्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले नाउन्स क्या होता है ये तो सबको पता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इन जनरल। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ नाउन है। अ मटेरियल नाउन रिफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड अप ऑफ, सच एज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा। मतलब समझ में आया। मैं आपको वर्कशीट सॉल्व करने के पहले एक शॉर्ट डेफिनेशन इसलिए दे देती हूँ जिससे कि आपको वर्कशीट को सॉल्व करने में आसानी हो। ये बहुत इजी टाइप ऑफ नाउन है। ये सिर्फ आपको उन मटेरियल्स के बारे में बताता है जिससे कि कोई भी वस्तु बनती है ना। जैसे गोल्ड से गोल्ड कॉइन बनता है, सिल्वर से इयररिंग्स वगैरह बनते हैं, आयरन से एक्स बनता है, वाटर से तो बहुत सारी चीज़ें बनती है, या वाटर बहुत सारी चीज़ों के काम में आता है। तो इसे कहते हैं हम मटेरियल नाउन। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग मटेरियल नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में कुछ मटेरियल नाउन्स दिए हुए हैं, आपको उन्हीं को फिल करना है जो नीचे ब्लैंक्स हैं। ओके, फर्स्ट इज वी गेट डैश फ्रॉम ऑयस्टर। ऑयस्टर क्या होता है, जो शेल होता है ना, समुद्र में रहता है, नदी में भी पाया जाता है ना, सीप कहते हैं। उसके अंदर से क्या मिलता है हमको, मोती। वी गेट पर्ल फ्रॉम ऑयस्टर। नेक्स्ट, मोर अमाउंट ऑफ डैश इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। किस चीज की ज्यादा मात्रा हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, सॉल्ट। मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बॉइल्ड डैश इज ऑलवेज गुड फॉर आवर हेल्थ। ये तो पता है सबको, बॉइल्ड वाटर, उबला पानी। नेक्स्ट, माय फादर ब्रॉट होम 3 बैग्स ऑफ डैश राइस। 3 बैग्स ऑफ राइस, चावल के 3 बोरी। आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल डैश चेन। आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल गोल्ड चेन। दिस चेयर इज मेड अप ऑफ डैश। किसका बना हुआ है ये वाला चेयर, ऐसे तो वुड का बना होता है पर हमारे पास ऑप्शन में आयरन है। दिस चेयर इज मेड अप ऑफ आयरन। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल। यस, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल। आई सॉ अ डैश फॉल फ्रॉम अ बिल्डिंग। ईटा, आई सॉ अ ब्रिक फॉल फ्रॉम अ बिल्डिंग। तो ये समझ में आ गया मटेरियल नाउन। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन इज पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स इज आल्सो इन द पास्ट। मतलब अगर पास्ट में कोई एक घटना घट रही है, उसके पहले एक घटना ऑलरेडी घट चुकी है, तब हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल, शी हैड फिनिश्ड द होमवर्क बिफोर यू केम। उसने तुम्हारे आने के पहले ही होमवर्क फिनिश कर लिया था। मतलब दो घटनाएं हो रही थी, एक तो होमवर्क फिनिश करना और एक किसी का आना। तो किसी के आने के पहले ही होमवर्क फिनिश हो गया। इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं, आई हैड ड्रिवन माई न्यू कार यस्टरडे। मैंने कल अपनी नई कार चलाई थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पास्ट परफेक्ट टेंस डालना है। इसका कुछ रूल है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आपको पास्ट पार्टिसिपल याद करने होते हैं, जैसे ईट का ईटन, सी का सीन, बीन, रिटन, डन, टॉक्ड।
से अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग पास्ट पार्टिसिपल होते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर वर्कशीट. फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट परफेक्ट टेंस. फर्स्ट, राहुल डैश वॉच अ हॉरर मूवी बिफोर दिस सीरियल. राहुल हैड वॉच्ड अ हॉरर मूवी बिफोर दिस सीरियल. वॉच का हैड वॉच्ड. नेक्स्ट, आई डैश टेल ऑल द इंफॉर्मेशन. आई हैड टोल्ड ऑल द इंफॉर्मेशन. टेल का टोल्ड है पास्ट परफेक्ट. नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन डैश फिनिश देयर गेम्स. द चिल्ड्रेन हैड फिनिश्ड देयर गेम्स. सॉरी, व्हेन देयर फादर अराइव्ड, मतलब उनके फादर अराइव्ड होने के पहले ही बच्चों ने गेम्स को फिनिश कर लिया. द चिल्ड्रेन हैड फिनिश्ड देयर गेम्स व्हेन देयर फादर अराइव्ड. ऐसे फुल सेंटेंस है ना. नेक्स्ट, शी डैश हर्ट व्हेन आई वाज यंग. हर्ट, शी हैड हर्ट व्हेन आई वाज यंग. हर्ट का पास्ट पार्टिसिपल हर्ट ही होता है. नेक्स्ट, दे डैश मेक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. दे हैड मेड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. मेक का मेड. नेक्स्ट, द बेबी डैश क्राइड बिफोर हर मदर केम. द बेबी हैड क्राइड बिफोर हर मदर केम. क्राई का क्राइड होता है पास्ट पार्टिसिपल. तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस सबको समझ में आ गया. इट वॉज सो ईजी सिंपल. अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे सॉल्व करने में. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. आवर नेक्स्ट सेक्शन इज एडवर्ब. एडवर्ब क्या होते हैं ये एडवर्ब? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. है ना, तो इसके पहले भी हमने एडवर्ब पढ़ा हुआ है, इसलिए आज मैं डायरेक्ट वर्कशीट सॉल्व कर रही हूँ और उसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ अगर एडवर्ब के कोई काइंड्स हैं. अवर क्वेश्चन इज अंडरलाइन द एडवर्ब्स. आपको एडवर्ब को अंडरलाइन करना. फर्स्ट, शी लेफ्ट हर हाउस हरीडली. हरीडली इट इज एन एडवर्ब, है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर. कैसा? हरीडली, जल्दबाजी में. वैसे भी एल वाई जहाँ भी लगता है वो सारे एडवर्ब होते हैं. सो आई विल अंडरलाइन हरीडली. नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू विजिट दिस प्लेस डेली. दिस इज ऑल्सो सेम, डेली आई विल अंडरलाइन. ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, कितने बार कोई काम किया जा रहा है, डेली किया जा रहा है. नेक्स्ट, फेस्टिवल्स आर क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया. क्वाइट एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, मतलब टू व्हाट डिग्री, कितना कितना पॉपुलर है, हाउ मच पॉपुलर. क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया. नेक्स्ट, रिया गोज फॉर अ जॉग अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे क्या है? अर्ली, इट इज द एडवर्ब ऑफ टाइम. व्हेन एन एक्शन हैपन्स, व्हेन, कब जाती है? अर्ली इन द मॉर्निंग. सो आई विल अंडरलाइन अर्ली. नेक्स्ट, ही परफॉर्म्ड कॉन्फिडेंटली ऑन द स्टेज. एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसा परफॉर्म किया, हाउ ही परफॉर्म, कॉन्फिडेंटली. नेक्स्ट, मीना विल फिनिश हर टास्क टुमारो. एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन, टुमारो. सो टुमारो विल बी द एडवर्ब. नेक्स्ट, इट वॉज रेनिंग हैवीली. हैवीली रेनिंग हो रही थी. सो आई विल अंडरलाइन हियर हैवीली. तो समझ में आ गया, एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है. एल वाई लगता है तो एडवर्ब हो जाता है, और कहीं कहीं पर जो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, टाइम, फ्रीक्वेंसी, मैनर, तो ये सब मैंने आपको बताया कि हाउ क्वेश्चन आता है तो मैनर होता है, हाउ ऑफन आता है तो फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब कितनी बार,
टाइम मतलब व्हेन, कब, और क्वांटिटी मतलब हाउ मच, कितना। तो होप आपको समझ में आ गया होगा एडवर्ब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, वहाँ से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।